या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल माही टिफिन्स अँड डायनिंग टेबल. आमचा पत्ता 7 रस्ता हुमा मेडिकल समोर. राईस प्लेट 60 रुपये आणि चिकन बिर्याणी फक्त 75 रुपये. एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा याल. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं ताहिर बेग मोहम्मदी बोल रहा हूँ. सभी मुसलमान भाइयों को और हमारे देशवासियों को रमज़ान मुबारक के चांद की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ और इसी के साथ ये दरख्वास्त और अपील करता हूँ हमारे इस्लामी भाइयों और बहनों से कि इंशाअल्लाह अज़ीम आज से तरावी शुरू हो रही है. आप लोग तरावी का एहतमाम करें. मर्द हजरात अपने अपने मस्जिदों में, ख़वातीन अपने घरों में. अगर मस्जिदों में इंतज़ाम है तो मस्जिदों में तरावी का एहतमाम करें. इसी तरीके से कल से रोज़ा शुरू हो रहा है. रोज़े की बड़ी फजीलत है, लिहाजा रोज़े का भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें. जो बीमार हैं, वाकईतन बीमार हैं, तो वो फ़दिया दें. लेकिन जो है रोज़ा रखने की जो लोग ताकत रखते हैं, ये महीने को गनीमत जाने कि वो ज़रूर भी ज़रूर रोज़ा रखें. आखिर में एक बात और बताते चलूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये महीना हमें इनायत फरमाया. वरना पिछले साल कितने लोग थे, आज ये साल में वो लोग नहीं रहे. हाँ, अब हमें भी नहीं मालूम कि आइंदा साल जो रमज़ान आने वाला है, हम उस रमज़ान तक रहेंगे ना रहेंगे. लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा दुआ, कसरत कुरान की तिलावत, कसरत ज़िक्र अज़कार, फ़राइज़ नमाज़ों की पाबंदी और नवाफिल सुनन का अहतमाम करें. अपने आप को बुराइयों से, गुनाहों से बचा के रखें. ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल न करें. हाँ, उससे दूर रहें ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके अपनी मगफिरत करा सकें. अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो शख्स की नाक खाक आलूद हो उस शख्स की नाक खाक आलूद हो. पूछा गया किसकी, कहा जो रमज़ान का महीना पाए और अपने गुनाहों को न बख्शवाए. बस आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस रमज़ान के महीने की बरकतों, रहमतों, सआदतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए और हमारे देश भारत के अंदर अमन अमान को कायम रखे. और पूरे मिल्क मिल्लत के लिए भी दुआ करें कि यहाँ पर भाईचारा, मानव जाति का जो है वो जो ताल्लुक है वो हमेशा बरकरार रहे और कायम रहे. इसी पर अपनी बात में ख़त्म करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ताज़ा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज़ चॅनलला सब्स्क्राइब करा.